हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज है बृहस्पतिवार और सुबह सुबह वेदर बहुत ही ख़राब है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बेड वगैरह ठीक कर लिया है और अब आ गई हूँ मैं ये सिटिंग रूम में। तो जो सोफ़ा के कवर्स है, इन्हें आज अच्छे तरीके से मैं झाड़ लूँगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद नहा कर पूजा करनी है। तो आज क्योंकि बृहस्पतिवार है, तो आज पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ठंड है। नहा ली हूँ, पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद स्वेटर पहन लिया मैंने। बहुत ही ठंड है, बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 10, बजने के लिए 10 मिनट बाकी है। तो मैं अभी नाश्ता कर लूँगी। दीशु ने तो पापा के साथ नाश्ता कर लिया। अभी देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल मैगी बना कर लेके आई हूँ। मैगी खा लूँगी आज, बहुत देर हो गया है। কেমন আছে? सर्दी का मैगी बना है। मैगी सर्दी का दवाई होता है। मैगी सर्दी का दवाई होता है। तो मैं और दिशु हम दोनों मिलकर खा लेंगे मैगी। और इसके बाद मुझे सब्जी काटना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सब्जी काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले ली एक पत्ता गोभी। तो इससे आज मैं एक तरकारी टाइप बनाऊँगी। तो हमारे बंगाली में उसे कहते हैं बाधा गोभी और घंटो। तो वही बनाऊँगी आज। इसमें आलू भी जाएगा। और कल जो मेरे हस्बैंड ने मच्छी लाई थी, उसमें से मैंने आधी बनाई है और आधी है, तो उसे बनाऊँगी आज। तो उसे आज मैं आलू देकर बनाऊँगी। आज का हमारा लंच यही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की जो तरकारी है वो बना रही हूँ। तो इस आलू को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, तो जो तेल बचा है उसी तेल पर मैं 2 तेज़पत्ता दे दूँगी और साथ ही में जो गोटा जीरा होता है वो दे दूँगी। और इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। तो देखिए, प्याज मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो जब ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इस पे पत्ता गोभी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें जो पत्ता गोभी है इन्हें दे दूंगी। तो अभी तो ये ज़्यादा लग रही है, पर जब ये पक जाएगी तो ये एकदम थोड़ी सी हो जाएगी। तो जो मैंने टोमेटो काटे हैं उसे भी मैं डाल दूंगी। और अब हम इसमें देंगे नमक, हल्दी का पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च का पाउडर। और इसे डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर छोड़ देंगे।
देखिए पत्ता गोभी हमारा कितना गल गया है, तो इत्तू सा हो गया है। तो ये जो मैंने आलू फ्राई करके रखे थे उन्हें देकर मैं इसे अब ढक दूंगी, और ढकने के बाद दूसरी साइड में मैंने कढ़ाई बिठा दी है, तो उसमें फ़िश करी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी और सिंपल तरीके से मैं फ़िश करी बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ़िश करी बनकर रेडी है। तो आज का लंच हमारा बन गया है, लंच मेरा बन गया है फ्रेंड्स। तो अभी बैठूंगी, अभी बज रहे हैं 12, तो अभी बैठकर सारा काम कंप्लीट हो गया, किचन भी साफ कर लिया है, और बैठकर थोड़ा बनाई करूँगी। मेरे हस्बैंड की टोपी बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच हो गया है। तो देखिए अब मैं किचन, मैंने गैस अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, और अब मैं ये किचन को पोछा लगा लूँगी, और उसके बाद जो बर्तन हैं उन्हें धो लूँगी। क्या हालत की है दिशु ने, तब ये सब ठीक करूंगी। क्या गई, मैंने जस्ट अभी ये जगह ठीक किया था, टेडी बेयर जगह में रखा था, सब कुछ जगह पे रखा था, अभी दिशु आ गई और फिर से इसे ख़राब कर दिया। दिन में मुझे कितना बार ठीक करना पड़ता है ये चीज़। की घोड़ो की घोड़ो कलम दिया क्या ना, पेंसिल दिया लेखो, चलो पेंसिल कोई तुम्हार जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ऐसा ही होता है, बार बार रूम ठीक करो, बार बार रूम ठीक करो। तो दिशु की शरारत तो रुकेंगी नहीं, तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।